हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने ग्रोसरी फिलिंग करने वाली हूं एंड उसको किस तरह से मैं ऑर्गेनाइज करती हूं वो भी शेयर करने वाली हूं। तो मंथली का जो फर्स्ट वीक होता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइट होता है, क्योंकि सुपरमार्केट जाना, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना, सब्जी लाना, बेकिंग शॉप में जाना, और यही नहीं, आने के बाद फिर सारी चीज़ों को अपने अपने जगह पर सेट करके रखना, उसके बाद फिर पूरे घर की डीप क्लीनिंग, ये सब करने में मुझे एक हफ्ते लगते हैं। बट इस बार मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो मुझे पूरे 10 दिन लगे, और कल ही मैं सारे काम से फ्री हुई हूँ तो आज मैंने एडिटिंग किया और आज ही आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। पर एक बात तो है, एक बार सारा का सारा काम ख़त्म हो जाए उसके बाद नेक्स्ट मंथ तक थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है, और ये मैं आज या कल से नहीं बरसों से ये फॉलो करती आ रही हूँ। एक बार कंटेनर फिल हो जाए तो सबसे पहले मेरा काम है किचन की सीलिंग और वॉल को ड्राई मॉप करना, ताकि जो थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल चिपके हो वो सारे साफ़ हो जाए। और स्टेयर का यूज़ करती हूँ साफ़ करते वक्त, तो जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता वो सारी जगह की ड्राई मॉपिंग एंड वेट मॉपिंग एक साथ कर लेती हूँ, ताकि बार बार मुझे स्टेयर का यूज़ ना करना पड़े और बार बार मुझे चढ़ना उतरना ना पड़े। उसके बाद सारे कंटेनर को अच्छे से साफ़ करती हूँ लाइज़ोल एंड डिटर्जेंट बार में, अच्छे से डीप किया हुआ और डाइवर्ट किया हुआ साफ़ किचन टॉवल से। कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि पहले साफ़ करते हैं कंटेनर को, बट मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि फिलिंग के दौरान डस्ट पार्टिकल कंटेनर के चारों ओर चिपके हुए होते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, हर एक टॉवल जो मैं क्लीनिंग के दौरान यूज़ करती हूँ वो अलग अलग है। एक पुराने टॉवल को मैंने कट कर लिया है और उसके अलग अलग पीसेस कर दिए हैं। साफ़ सफाई के लिए मैं कोई अलग से टॉवल की ख़रीदारी नहीं करती, जो पुरानी हो जाती है वही मैं कट करके यूज़ कर लेती हूँ।
next day. अच्छा जी, तो आज मुझे कपड़े दो बार लोड करने थे,
क्योंकि 2 दिन से कपड़े धुले नहीं थे और ये तो बस शुरुआत थी काम की, पर मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे आदत भी है। मैं घर के काम बड़े इन्जॉयमेंट के साथ करती हूँ। आज सबसे बड़ा टास्क मेरा यही था कि रियान को खाना खिलाना, इसलिए थाली को मैंने थोड़ा स्टाइल में सर्व किया है ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे और रियान चुपचाप खा ले। और हस्बैंड घर में थे नहीं तो इसलिए मैंने आज सिंपल खाना बना दिया। इतने काम की भीड़ में मतलब कुछ भी हैवी बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। इसके बाद भी काम का सिलसिला रुका नहीं मेरा और ये स्वीट कॉर्न, मटर, लहसुन, लाल मिर्च, इन सबको भी अपने जगह पे सेट करके रखना था। और कॉर्न और जो मटर होता है वो मैं 1 साल के लिए स्टोर करके रखती हूँ फ्रीज़र में। बाहर का फ्रोज़न मटर और स्वीट कॉर्न मैं यूज़ नहीं करती। अच्छा, तो एक और बात, इतने में पूरा साल नहीं जाएगा मेरा। सर्दियों में क्या होता है ना कि जितनी भी बार मेरी यहाँ सब्जी आती है घर में, तो मैं हर बार 3 किलो मटर और 3 किलो स्वीट कॉर्न लाती ही लाती हूँ और उसको फिर छिल छिल के बीच बीच में मैं स्टोर करती जाती हूँ जितना यूज़ होना है होता है। और सर्दियों का मौसम मतलब जैसे ही ख़त्म होता है फिर मेरा इतना हो जाता है, 3-3 किलो हिसाब कर लीजिए, बहुत बार आता है, तो उस हिसाब से मेरा 1 साल आराम से गुजारा हो जाता है। अच्छा, तो जी ये जो सारे पॉलीथिन्स हैं इन सारों को भी मैं एक ही जगह पे प्लेस करती हूँ ताकि इधर उधर मतलब इधर उधर रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक ही जगह पे मैं प्लेस करती हूँ। और ये मेरे सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत के काम में आते हैं। और मटर और जो कॉर्न होते हैं उनको मैं ज़िपलॉक बैग में स्टोर करती हूँ फ्रीज़र में, और लहसुन जो है उसको मैं स्टोर करती हूँ एक कंटेनर में फ्रीज में। और ज़िपलॉक बैग जो है ये मैंने लाया था शायद अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट से, और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 160 और 260, आई थिंक ये 160 का है। और एक प्लस पॉइंट इसका ये है कि दिखने में तो यूनिफॉर्म लगता ही लगता है, बट ये प्लेस भी बहुत कम लेती है एज़ कम्पेयर टू कंटेनर। और इसका सबूत मैं आपको तब दिखाऊंगी जब अपना फ्रिज का टूर दिखाऊंगी।
सो व्यूअर्स, यही था आज का पूरा ब्लॉग और इसके बाद का वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ बोर नहीं हो रहे होंगे एंड आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बने रहे मेरे साथ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।